हे हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रीत गुप्ता और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है ओपन पोर्स के ऊपर। हर किसी को ओपन पोर्स हो ही जाते हैं आफ्टर 25 इयर्स एज। ओपन पोर्स क्यों होते हैं, बहुत से लोग तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। मैं बहुत ही बेसिक रीज़न एक बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जब फेशियल लेने जाते हैं या घर पे भी बहुत सारे लेडीज़ हैं या बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर में अपना खुद का फेशियल करने की कोशिश करने चालू कर देते हैं। तो करते क्या हैं, उनको एक दो बार तो जाके वो पार्लर में ले लेते फेशियल। बट मैंने भी बहुत किया है और मेरी मम्मी भी ऐसी करती थी, उनको देखा देखी मैं भी करने लगा था। तो करते क्या हैं घर में लोग, अब पार्लर तो कॉस्टली पड़ता है तो अब क्या करें। तो लोग क्या करते हैं कि घर में बैठे और उन्होंने देखा अच्छा पार्लर में ऐसा सब करते हैं ये लोग, मतलब पहले स्टीम दिया, फिर उन्होंने स्क्रबर लगाया, फिर उन्होंने क्रीम लगाई और फिर पैक लगाया और ख़त्म, और 100-150 में काम हो जाता है। पार्लर में जाएंगे तो वही 1,000-2,000 रुपये ले लेंगे। तो बहुत से लोग, सब लोग मैक्सिमम हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिव लोग सोचते ही हैं, तो क्योंकि जेब पे बहुत भारी पड़ती हैं चीज़ें। तो लोग करते क्या है कि जो सबसे गलत गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो जाके खूब सारी स्टीम ले लेते हैं। उनको लगता है कि स्टीम लेंगे तो चेहरे से गंदगी निकलेगी और गंदगी निकलेगी तो क्या होगा, हमारे फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, गोरे हो जाएंगे। बट ये सबसे गलत फहमी है। और इसी में जब हम स्टीम ज़्यादा लेते हैं तो हमारे पोर्स डायलेट हो जाते हैं और धीरे धीरे धीरे, नॉट ओनली स्टीम, बहुत सारे बिकॉज ऑफ एजिंग, एज फैक्टर के कारण भी हमारे पोर्स डायलेट होते हैं। हम बाहर धूप में जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, हम लोग जो डाइट लेते हैं, स्ट्रेस है, बहुत सारे रीज़न होते हैं पोर्स के डायलेट होने के। जो कॉमन कॉज है वो है एज फैक्टर। जैसे जैसे हमारी एजिंग बढ़ती है, हमारी स्किन ढीली पड़ने लगती है, हमारे कोलेजन इलास्टिन धीरे धीरे वहाँ पे ख़त्म होने लगते हैं, तो वहाँ पे हमारे स्किन भी ढीली होती है और पोर्स भी डायलेट हो जाते हैं। और जैसे जैसे आपने स्टीम ले लिया तो उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। तो गाइस, अगर आप स्टीम लेते हैं तो उसके बाद कोशिश करिए, कोशिश मत करिए, करना ही है, ये बात को मान के चलिए कि स्टीम लेने के बाद आपको आइस लगाना ही है। स्टीम डायलेट करेगा तो आइस टाइट कर देगा, ऐसे टाइट कर देगा, तो पोर्स आपके टाइट हो जाएंगे। बट बिकॉज एज फैक्टर के कारण अगर आपके पोर्स डायलेट हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पे उस समय आपको यूज़ करना है पोर टाइटनिंग क्रीम। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी पोर टाइटनिंग क्रीम और एक पोर टाइटनिंग सीरम, दो चीज़ें मैं लेके आया हूँ। ये सिंगापुर का ब्रांड है, इट्स वेरी गुड, रिजल्ट बहुत ऑसम है इसके और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं, सस्ती भी है। आप इनमें से या तो क्रीम ले लीजिए या तो सीरम ले लीजिए। करना क्या है, अगर आप सीरम लगा रहे हैं तो अच्छे से फेस को क्लीन करिए, सारी गंदगी को बाहर करिए, उसका टोनर लगाने के बाद इस सीरम को लगा के पैट करके इसको ड्राई कर दीजिए। या सेम अगर आप क्रीम ले रहे हैं तो क्रीम को भी आपको फेस को क्लीन करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो गो फॉर सीरम एंड ड्राई स्किन है तो गो फॉर क्रीम। तो आपको करना क्या है, फेस को क्लीन करना है अच्छे से और आपका जो भी टोनर है लगाने के बाद इस क्रीम को लगा के, सबसे आखिरी में इस क्रीम को लगा के एब्जॉर्ब करा के छोड़ देना है। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर टैनिंग कॉम्प्लेक्स है और इसमें विच हेजल वाटर है जो आपके पोर्स को टाइट करेगा और आपको बहुत अच्छा एकदम टाइट, जब आपकी स्किन टाइट हो जाएगी ना तो उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगाएंगे, मेकअप लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो वो दिखेगा नहीं। अगर पोर्स डायलेट होते हैं तो बहुत ही गंदा फेस हो जाता है, जैसे तो पसीना निकलता है और फेस बहुत गंदा दिखने लगता है। तो अगर आपको फेस को टाइट करना है तो उसके लिए मेरे पास भी आ सकते हैं, मैं आपको लेज़र कर दूंगा, लेज़र करके आपकी स्किन को टाइट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना तो आप ये दोनों चीज़ें लगा के घर बैठ के रिजल्ट ले सकते हैं। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, आपको मिलेगा www.lescomic.com पे। तो है ये पोर टाइटिंग क्रीम, वन डे ह्यू एंड पोर टाइटिंग सीरम विथ टैनिन कॉम्प्लेक्स एंड हेजल वाटर के साथ, विच हेजल वाटर के साथ। मेरी आईडी डॉक्टर अनिल गुप्ता इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वेट करूंगा, वहाँ पे आइए, मुझे बहुत सारे मैसेज कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। एक बार में क्वेश्चन पूरा लिख के हाय हेलो मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो मैं वहाँ पे आपका वेट करूंगा वहाँ पे आके। और अगर आप, मैं मैसेज नहीं देख पा रहा तो मेरी किसी भी जाके फोटो में कमेंट मार देना, कमेंट मुझे बहुत जल्दी दिख जाता है, तो नोटिफिकेशन आ जाता है कमेंट का तो फट से दिख जाता है, मैसेज कई बार नीचे नीचे हो जाता है तो दिखता नहीं। तो आप मुझे कमेंट में कोई भी आपके जो इशू है मुझे कर दीजिएगा मैसेज, मैं फट से देखिए आपको रिप्लाई कर दूंगा।